सिद्धार्थ शुक्ला कब आएंगे वापस घर में, जो है अभी अस्पताल में बिग बॉस के देखरेख के नीचे। हर कोई बस यही पूछ रहा है कि सिद्धार्थ शुक्ला कब आएंगे घर में वापस। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं, मैं हूं मंदार और आप देख रहे हैं एक्ट ट्रेडर्स। डॉक्टर की क्या रिपोर्ट आई है, डॉक्टर का क्या कहना है। बात की जाए सिद्धार्थ शुक्ला की तो ये जो नाम है, ये नाम सबसे ज्यादा सर्च करने वाले नामों में से एक नाम अब हो गया है 2019 का, यानी बिग बॉस के ये सबसे मशहूर कंटेस्टेंट है। बिग बॉस का ये जो सिद्धार्थ शुक्ला जो कंटेस्टेंट है, इसकी वजह से बिग बॉस की रोजी रोटी चल रही है। मेरा मतलब इनका जो टीआरपी है ये इसी कंटेस्टेंट के ऊपर चल रहा है और ये जो है ये शो का बैकबोन है। अगर बात की जाए तो सिद्धार्थ शुक्ला जाने के बाद वहां पर असीम रियाज का शो में दिखना बहुत ही कम हो गया है और हर कोई ये एक्सेप्ट कर रहा है कि सिद्धार्थ शुक्ला की वजह से वहां पर असीम रियाज दिख रहे थे। कहीं ना कहीं ये बात हर किसी को सही लग रही है। बहुत सारी चीजें आकर सिद्धार्थ शुक्ला पे ही अटक जाती है। बिग बॉस के मेकर्स ये चाहते थे कि ये दोनों सीक्रेट रूम में रखे और जैसे इनका रिकवरी का पीरियड है, पारस का इनके हाथ की सर्जरी हुई है तो ये भी ठीक ठाक रिकवर हो जाए और इनके साथ साथ सिद्धार्थ शुक्ला भी वहां पे रिकवर हो जाए, साथ ही ये नॉमिनेशन भी रहे और साथ ही ये सब कुछ देखे और सीक्रेट रूम का इस साल का जो सीक्रेट रूम है वो भी दिखाया जाए और दोनों को एक साथ घर में लाने का वहां पे बिग बॉस मेकर्स का प्लान था। लेकिन ये प्लान फंस गया क्योंकि अब बात की जाए तो जो सिद्धार्थ शुक्ला की तबीयत है, जो हेल्थ है, वो टाइफाइड से जूझ रहे हैं पिछले 2 हफ्तों से। उनकी जो तबीयत है वो ठीक होने का नाम नहीं ले रही थी और भी बिगड़ जा रही थी और हमने देखा कि उनकी आंखों में भी सूजन वहां पर नजर आ रही थी सिद्धार्थ शुक्ला की और कहीं ना कहीं इनको बार बार वहां पे फीवर आ रहा था। तो वहां पे जो डॉक्टर है इन्होंने बिग बॉस मेकर्स को एक सलाह दी कि आप इनको जो है इनको 4 से 5 दिन अस्पताल में एडमिट करवाए, सलाइन लगवाए, इससे इनकी जो तबीयत है वो एकदम से ठीक ठाक हो जाएगी और ये वापस घर में जाने के लायक बन जाएंगे। क्योंकि अगर ऐसे ही वहां पर रखा बिना सलाइन के ऐसे शो देखते वक्त तो इनके जो दिमाग है, इनके दिमाग को भी वहां पे जो शांति है वो शांति नहीं मिलेगी और इनकी जो तबीयत है वो मेडिसिन को अच्छी तरीके से रिस्पॉन्स नहीं देगी। तो इसी वजह से वहां पर बिग बॉस ने सिद्धार्थ शुक्ला को 4 से 5 दिन अस्पताल में रख दिया है और सिद्धार्थ शुक्ला के रिकवर होने का हमें नहीं, बिग बॉस के टीम को हमसे भी ज्यादा इंतजार है क्योंकि ये टीआरपी जो है ये टीआरपी का मामला आकर अटक जाता है सिद्धार्थ शुक्ला पे। तो हम तो जानते ही है कि सिद्धार्थ शुक्ला का जो बर्थडे है आज, वो घर में सेलिब्रेट होना चाहिए था, इनके लिए बिग बॉस ने केक भेजना चाहिए था, लेकिन यार वो जूझ रहे हैं टाइफाइड से। तो हम हमारे चैनल से कामना करते हैं कि जल्द से जल्द वो स्पीडी रिकवर हो जाए और गेट वेल सून होकर वो घर के अंदर वापस आ जाए। आपको क्या लगता है सिद्धार्थ शुक्ला के बारे में, आप अच्छे अच्छे ख्याल हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख सकते हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2 दिन हुए हैं वहां पे अस्पताल में जाकर और 3 दिन शायद मैक्स टू मैक्स 4 दिन वहां पर वो रह सकते हैं, उसके बाद वो झट से आएंगे बिग बॉस के घर के अंदर और वापस से मजा आने लगेगा शो में। आपकी जो राय है, आपके जो विचार है सिद्धार्थ शुक्ला पर, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख देना और इस पर कोई बड़ी खबर आने के बाद मैं आपको जरूर बताऊंगा। तो जल्द से जल्द एक्ट राइडर्स को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए एक्ट राइडर्स। धन्यवाद।